बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। घरेलू शेयर बाजार सोमवार को लगातार दूसरे दिन नुकसान में, ऑटो कमोडिटी शेयरों में बिकवाली से 140 अंक टूटा सेंसेक्स। सोना 50 रुपए टूटा, चांदी में 300 रुपए की गिरावट। बाजारों में नकारात्मक रुख के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को 9 पैसे की गिरावट के साथ अपने सर्वकालिक निचले स्तर 83.35 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी कोषों की सतत निकासी से स्थानीय मुद्रा की धारणा को प्रभावित किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83.25 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के अंत में यह 83.35 प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। यह पिछले बंद भाव से 9 पैसे की गिरावट है। रुपया शुक्रवार को 83.27 चंद प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच ऑटो कमोडिटी एफएमसीजी मेटल और रियल्टी शेयरों में बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार सोमवार को लगातार दूसरे दिन नुकसान में रहे। सेंसेक्स 140 अंक गिरकर 65,655 पर बंद हुआ। निफ्टी में 38 अंकों की गिरावट रही। यह 19,694 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान एक समय सेंसेक्स 247 अंक लुढ़क कर 65,548 तक नीचे आ गया था। इसी तरह निफ्टी भी 61 अंक फिसल कर 19,670 तक नीचे आ गया था। एक्सपर्ट के मुताबिक बाजार की गिरावट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली की भी भूमिका रही। इन्होंने भारतीय बाजार से 524.88 करोड़ रुपए निकाले। कमजोर वैश्विक संकेतों के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 50 रुपए की गिरावट के साथ 61,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,820 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। चांदी की कीमत भी 300 रुपए के नुकसान के साथ 76,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। HDFC सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि व्यापारियों की मुनाफा वसूली से सोने की कीमतों में गिरावट आई, जबकि पिछले सप्ताह कीमत में 2% से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी। नरम आर्थिक आंकड़ों के बाद यह उम्मीद बढ़ी है कि फेडरल रिजर्व का आक्रामक मौद्रिक नीति अभियान समाप्त हो जाएगा। ईडी ने डायरेक्ट सेलिंग फर्म एमवे इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने यहां स्पेशल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज की है। ईडी ने अप्रैल 22 में कंपनी की 757.77 करोड़ की संपत्ति एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत जब्त की थी। एमवे के अनुसार ये कंप्लेंट 2011 की जांच से जुड़ी है। विदेशी बाजारों के मिले जुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर आवक कम रहने से सोमवार को दिल्ली थोक जींस बाजार में दाल दलहन में तेजी रही, जबकि अनाज मंडी भी भाव स्थिर रहे। इस दौरान चना 150 और दाल चना 150 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 150 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द दाल और अरहर दाल 500 रुपए प्रति क्विंटल उबल गई है, जबकि मूंग दाल में टिकाव रहा। अनाज मंडी में भाव स्थिर रहे। इस दौरान गेहूं और चावल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। घरेलू शेयर बाजार सोमवार को लगातार दूसरे दिन नुकसान में, ऑटो कमोडिटी शेयरों में बिकवाली से 140 अंक टूटा सेंसेक्स। सोना 50 रुपए टूटा, चांदी में 300 रुपए की गिरावट। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए इनबिजनेस न्यूज। नमस्कार।